गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन, जिसका टाइटल है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, आविष्कारक जिसने अपना वचन पूरा किया। इस लेसन में महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन के बारे में बताया गया है, तो आइए डिटेल से लेसन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, आप केवल एक स्विच एक बटन को दबाते हैं एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प और बिजली का बल्ब गिव्स यू लाइट, आपको रोशनी प्रदान करता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, क्या आपको पता है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन था नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, अपने बचपन में ही एडिसन को एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, और वह तब तक सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट नहीं होता था जब तक कि उसे राइट मतलब सही उत्तर नहीं मिल जाता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ कहानियां यहाँ दी गई हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन, एक दिन जब वह छोटा एडिसन वाज एट स्कूल, स्कूल में था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन, तो अध्यापिका बच्चों से स्टोरी एक कहानी को कह रही थी अबाउट द बर्ड्स मतलब पक्षियों के बारे में। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वह खड़ा हुआ और अपनी अध्यापिका से पूछा, मैडम Why can't man fly like a bird? मैडम, मनुष्य पक्षी के समान क्यों नहीं उड़ सकता? Because man has no wings, replied the teacher. तो उसकी अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं। The young boy thought for a moment and asked her again. वह छोटा बालक थॉट फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए थॉट मतलब विचार किया या सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और पुनः अपनी अध्यापिका से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के कोई पंख नहीं होते हैं। एंड स्टील, और फिर भी वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, हम उसे आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लॉफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, सभी बच्चे हंसने लगे और अध्यापिका अपना पेशेंस मतलब धैर्य खो बैठी। सी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, कि लड़का मूर्ख है और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसने उसके माता पिता से कहा कि उसे विद्यालय से लेकर के जाएं। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए, बट दे न्यू, लेकिन उन्हें पता था कि दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड, एडिसन उस समय केवल 8 वर्ष का था। व्हेन दिस हैपेंड मतलब जब यह घटना घटी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, छोटे एडिसन को अपनी माँ सबसे अच्छी अध्यापिका लगी। सी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, वह बहुत धैर्यशाली थी टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, यानी कि उसके सभी प्रश्नों का उत्तर वह बहुत धैर्यपूर्वक देती थी। एंड विथ हर हेल्प, और अपनी माँ की सहायता से एंड गाइडेंस, और उनके मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति की, उसने अच्छी प्रगति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स,
ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना या अवलोकन करना। तो वह वस्तुओं का अवलोकन किया करता था। वेरी क्लोजली मतलब हो जाएगा बहुत सावधानी के साथ, एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत से प्रयोग किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उसके कुछ प्रयोग जो थे वह सिली मतलब मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उनसे वह बहुत कुछ सीखा, उन प्रयोगों से वह बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉशिंग अ बर्ड, एक सुबह वह एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह जमीन पर उतरी। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, पिक्ड अप मतलब उठाई, अ फ्यू वर्म्स कुछ कीड़ों को, इन इट्स बीक अपने चोंच में, एंड फ्लू अवे और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इसे देखकर एडिसन को एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, पक्षी उड़ने में समर्थ है बिकॉज क्योंकि इट्स वर्म्स यह कीड़े मकोड़ों को खाता है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई आदमी भी उड़ सकता है, इफ ही इट्स वर्म्स यदि वह भी कीड़े मकोड़े खाए। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह किसी पर इसका एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा। बीट देम इंटू अ पल्प एंड मिक्सड इट इन वाटर, बीट देम इंटू अ पल्प उनको पीट करके वह पल्प मतलब गूदा बना दिया। एंड मिक्स इट इन वाटर और उसे पानी में मिला दिया, उसे पानी के साथ मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, वह उस मिक्सचर वह उस मिश्रण को एक अपने नौकर के लड़की के पास ले गया। एंड सेड टू हर और उसे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है, आश्चर्यजनक घोल है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पी लेती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, आओ पियो और देखो।